अब बोल भी दे, और कितना सस्पेंस रखेगी? हमारी पहलवान बुद्धि और इंतजार ना कर सके। सबर रख खड़क, इच्छा और बबल को तो आ जाने दे। दादी, दादी आपने हमें बुलाया? हाँ छोरा, तुम सबको एक अच्छी खबर सुनानी है। हमारे गांव में शिवजी के मंदिर में 5 गांवों का महायज्ञ हो रहा है, और सुना है कि वहाँ शिवजी खुद वास करते हैं। हम सबको वहाँ दर्शन करने जाना है। अब तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो चलो भाई। अलाक निरंजन, भिक्षाम दे। अलाक निरंजन, भिक्षाम दे। नमस्ते गुरुजी, आइए आइए बैठिए। बिराजिए, आइए। आइए जी, आइए आइए। भाई साधु। सिर्फ साधु नहीं बालक, हमारे गुरुजी सिद्ध पुरुष है। गुरुजी का नाम अक्षानंद स्वामी है। ओहो, अलाक निरंजन। गुरुजी बहुत बड़े ज्ञानी और योगी बाबा है। मंदिर के महायज्ञ के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन गुरुजी जहाँ पर भी जाते हैं ज्यादा देर तक रहते नहीं है, बस आए, कृपा बरसाई और चल दिए। हाँ, मगर जाने से पहले 4 घरों से भिक्षा लेकर जरूर जाते हैं। आप लोग भाग्यशाली हैं, जो अब की बार गुरुजी ने आपका घर चुना है। और ये सिर्फ आंखों में देखकर ही पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बता देते हैं। ओ हो हो गुरुजी, मैं तो कब से अपने पिछले जन्म के बारे में जानना चाहता था। कृपया दृष्टि कीजिए मेरे ऊपर, मुझे पिछले जन्म के बारे में बताइए। अलाक निरंजन। आइए सबका भूत देखते हैं। भूत? भूत? किसका भूत? हम सब तो अभी जिंदा हैं। भूत मतलब पिछला जन्म। पिछला जन्म। बब्बल जी, मुझे तो टेंशन हो रही है। क्यों? अगर ये गुरुजी वाकई में सिद्ध पुरुष है तो कहीं ने मेरी सच्चाई पता चल गई तो। अरे इच्छा, तुम अभी से क्यों परेशान हो रही हो? देखे तो सही ये गुरुजी कितने पानी में है, वाकई में सिद्ध पुरुष है या नौटंकी। गुरुजी सबसे पहले मुझे बताओ कि मैं पिछले जन्म में क्या था। मेरी आंखों में देखो बालक। हाँ, बालक पिछले जन्म में तुम सांड थे। सांड? अरे भाई, तू पिछले जन्म में भी सांड था, इस जन्म में भी सांड है। तेरी आदतें हरकतें सब सांडों जैसी हैं। चल अब मैं बैठूंगा। अरे तू रुक, मैं बैठूंगा। अरे मेरी बारी है। अरे रुक जा। गुरुजी आप बताइए ना, मेरी आंखों में देखिए माते। अति उत्तम। माते पिछले जन्म में आप योद्धा थी, सुमेध राज की राजकुमारी सुलक्षणा को तलवारबाजी सिखाती थी, लेकिन तभी राजकुमारी का विवाह तय हो गया और आपको राज्य छोड़कर बाहर जाना पड़ा। क्यों गुरुजी? क्योंकि राजकुमारी के होने वाले पति के साथ भागकर आपने शादी कर ली। वाह 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 दादी वाह, खुद तो भाग के शादी कर ली, वो भी किसी और के मंगेतर के साथ, और मुझे शादी करने से मना करती है तू। अरे चुप कर बाले, ये पिछले जन्म की बात है। तो क्या हुआ, तू भागी थी ना, बस। लेकिन इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, ये थी ही इतनी खूबसूरत। राजकुमार का दिल आ गया था इन पर। माते आप इस जन्म में भी बहुत खूबसूरत हो। ममता जल्दी से जा, चांदी की थाली में 5 तरीके के फल रख के लेके आ।
गुरुजी को भिक्षा देनी है। जी दादी जी। अलख निरंजन। भाभी आप ले आओ। दादी मेरी बारी। दादी रुको ना, एक बार मेरी बारी। ओ गुरुजी मुझे बताओ मैं क्या था पिछले जन्म में। बालक अब हम तुम्हें क्या बताएं, जो तुम आज हो वही पिछले जन्म में भी थे। मतलब कि पहलवान? नहीं, बेवकूफ। इच्छा मुझे तो एक गुरुजी ढोंगी लग रहे हैं। रुको अभी इनकी पोल खोलता हूं। गुरुजी आप ये जो कुछ भी बता रहे हैं इसका कोई आधार है, मतलब कोई सबूत है आपके पास? छोरा तू गुरुजी की विद्या पर शक कर रहा है? नहीं दादी, मैं तो बस अपनी तसल्ली कर रहा था। ऐसे तो कोई भी कुछ भी देख लेगा किसी की आंखों में और बोल देगा। छोरा तू नहीं मानते। बालक का प्रश्न सही है, हम अभी इसका प्रत्युत्तर देते हैं। आओ बालिकी बैठो। हम जो पिछले जन्म में होते हैं उसकी झांकी इस जन्म में भी दिखाई देती है। हम तुम्हें अभी दिखाते हैं। बालिके हमारी आंखों में देखो। बालिके पिछले जन्म में तुम दानवीर कर्ण की पत्नी थी। तुम अपने पति के पद चिन्हों पर ही चलती थी। घर में आए अतिथि को इतना दान करती थी कि देवता भी चकित रह जाते थे। अरे भाभी क्या कर रहे हो आप? अतिथि है, खाली हाथ कैसे जाने दे। भाभी महंगी वाली यही है। हेलो निरंजन। देखा बालक, ये पिछले जन्म में भी दान करती थी और इस जन्म में भी। यही है पिछले जन्म की झांकी। ममता अब मेरी बारी, तू इधर बैठ जा। हाँ गुरुजी अब बताइए मैं क्या था पिछले जन्म में। बालक मेरी आंखों में आंखें डालकर देख। बालक पिछले जन्म में तू सफेरा था, एक शक्तिशाली सफेरा। ये विद्या तूने अपने पिता से अर्जित की थी। पिताजी बालकू धवल प्रताप नाम था उनका। एक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो गई। पिताजी फिर तुमने प्रतिज्ञा ली, सारे नागों का नाश कर दोगे। आश्चर्य की बात यह है कि उसका असर इस जन्म में भी तुम्हारे शरीर पर होने वाला है। बालक देखा अपने पिता को, अब तो यकीन हुआ, मिल गया तुम्हें सबूत। गुरुजी आप महान हैं, आप धन्य हैं, जय हो गुरुजी की। अच्छा गुरुजी मारे इच्छा के पिछले जन्म के बारे में बताइए। नहीं नहीं दादी मुझे कुछ नहीं जानना। छोरी ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। दादी मेरा इन बातों पर विश्वास ही नहीं है। अच्छा लेकिन मारी खुशी के लिए तो बैठ जा। पालिके हमारी आंखों में आंखें डालकर देखो। पहले मैं हाँ बबल ये बचपना कर रहा है। अरे इच्छा का हो जाने दे, फिर तू बैठना। दादी नहीं, दादी मुझे देखना पहले।
दादी ठीक हो? अरे इच्छा कहाँ गई? बबल जरा देख तो इच्छा कहाँ है। हाँ हमें देख के आता हूँ। कहाँ चली गई? इतना बैठी थी। क्या हुआ, तुम इस तरह वहां से भाग क्यों आई? आना पड़ा बबल जी, वो जिस तरह मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, मुझे तो डर सा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे उन्हें पता चल गया कि मैं वहां से भाग गई, इसलिए हम बच गए बब्बल जी। लेकिन गुरुजी ने हमारे लिए एक और समस्या खड़ी कर दी है। कैसी समस्या? उन्होंने पिताजी से कहा है कि वो पिछले जन्म में सपेरे थे और उसका असर इस जन्म में भी उनके शरीर पर पड़ने वाला है। अरे उनके बोलने से क्या होता है? अच्छा बात सिर्फ उनके बोलने की नहीं है बब्बल जी, जब से पिताजी ने ये बात सुनी है उनका रंग ढंग बदल गया है। वो अपने आप को सपेरा समझने लगे हैं, अपनी उंगलियों पर बीन बजाने लगे हैं। बब्बल जी अब इससे पहले कि वो असली बीन घर में ले आए, हमें उनके दिमाग से ये बात निकालनी होगी। अगर उन्होंने घर में बीन बजानी शुरू की। नहीं, 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 नहीं ऐसा नहीं होगा। आज तो जबरदस्त भिक्षा मिल गई गुरुजी। अच्छा मैंने दांव ही बड़ा खेला था। लेकिन वो ममता और खड़क में जो अचानक बदलाव आया वो कैसे किया आपने? बच्चा वर्षों से सम्मोहन विद्या सीख रहा हूँ, कब काम में आएगी। मैंने दोनों को सम्मोहित किया, बेचारे मैं जो कहता गया वही करते गए। जय हो ढोंगी बाबा की। अलख निरंजन। भाई ये गुरुजी भी ना जल्दी चले गए, बताया भी नहीं कि बाकी के लोग क्या क्या थे पिछले जन्म में। अरे इसमें गुरुजी की क्या जरूरत है, वो तो मैं भी बता सकता हूँ। है हाँ सच्ची? और क्या। तो भाई बताओ ये अपना अप्पू क्या था पिछले जन्म में? अरे हाथी, देखना रहा उसका शरीर, पक्का हाथी था ये। वाह वाह भाई वाह। सॉरी ये कौन सा तरीका है, गुरुजी के सामने तू ऐसे उठकर क्यों चली गई? वो तो अच्छा हुआ गुरुजी क्रोधित नहीं हुए, वरना। सॉरी दादी, वो मुझसे उनका तेज बर्दाश्त ही नहीं हुआ। अरे गुरुजी सिद्ध पुरुष है, उनके तेज से क्या डरना। अगली बार जब गुरुजी आएंगे तो मैं तुझे उनके सामने बिठाऊं। खड़क तू कहाँ जा रहा है? वो मैं अभी नहीं बता सकता माँ, वापस आऊंगा तो तुझे अपने आप पता चल जाएगा। मैं एक ऐसी चीज लेने जा रहा हूँ जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। क्या है पिताजी? खड़क ये क्या कर रहा है तू? अच्छा ये बता जो तू लाने गया था वो कहाँ है? ये कौन है जी? ये मेरे पिछले जन्म के पूजनीय गुरुजी और मेरे पिता भी। इन्हीं से मैंने सपेरों की विद्या ली थी। बहुत बड़े सपेरे थे ये, लेकिन जो काम ये अधूरा छोड़कर गए थे मैं पूरा करूंगा। कौन सा काम? सृष्टि में जितने भी नाग हैं सबका सर्वनाश। जिसका हुनर उसी को करने दे, थारे बस की बात ना है।
तू पहलवान है, पहलवानी कर। ऐसा क्यों कह रही माँ? तो और कैसा कहूँ, बीन बजानी आती नहीं, अपने आप को सपेरा कह रहा है। सीख रहा हूँ माँ, बीन बजाना सीख रहा हूँ, मैंने क्लासेस भी ज्वाइन की है। देखना एक दिन टॉप का सपेरा बन जाऊंगा मैं। जिसका डर था वही हुआ, अब तो परेशानी और भी बढ़ने वाली है। अगर पिताजी इसी तरह अपने आप को सपेरा समझते रहे तो मेरा मकसद पूरा होना तो दूर, मैं तो इस घर में ही नहीं रह पाऊंगी। मेरी इच्छाधारी नागिन। बब्बल जी, यहाँ मैं परेशान हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है। तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो हम दोनों मिलकर सुलझा नहीं सकते। मैं कुछ कर दूं। खड़क, बेसब्री से किसका इंतजार हो रहा है? अखबार का, शाम के अखबार का। अखबार का? तू कब से अखबार पढ़ने लग गया? ये बस, ये लीजिए भैया, जितनी खानी है खा लीजिए। ए बब्बल, तेरा भाई पिछले जन्म में सांड था, तू इस जन्म में इसको घास क्यों खिला रहा? अरे पिताजी, आप भी तो पिछले जन्म की कहानी जन्म में दोहरा रहे हैं। आप भी जन्म में पहलवान है लेकिन आपके सर पे सपेरा बनने की धुन सवार है। अखबार वाला काम मर गया आज? मैं पढ़ूंगा। हाँ पढ़, मैं पढ़ूंगा। पढ़, फ्रंट पेज पढ़। खुशखबर, खुशखबर, आपके शहर में सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन खड़क सरफराज चौधरी। अगर आपके घर में सांप निकलते हैं तो मुझसे संपर्क करें। मैं आपके घर में सांपों को सिर्फ भगाऊंगा नहीं बल्कि उनको जान से भी मार डालूंगा। पिताजी। अरे भाभी, ये कैसा पौधा है? पता नहीं, एक माली देकर गया है पिताजी को देने के लिए। मिल गया मुझे ये पौधा, मिल गया। अगर इसको किसी घर में रख दिया जाए तो उस घर के आसपास सांप नहीं भटकते। अगर कोई धोखे से भटकता हुआ आ भी जाए, ये पौधा उसकी सारी शक्तियां खींच ले हुए है और उस सांप को इसके सामने घुटने टेकने पड़ जाऊंगा। मैं बड़े बड़े सपेरों से, पंडितों से मिला हूं, सांपों के रहस्य के बारे में जानना है, और फिर मेरी मुलाकात हुई उस माली से जो ये पौधे उगाता है।